इस LG की टीवी में साउंड की प्रॉब्लम है, साउंड नहीं आ रहा है, तो इसे ही चेक करना है। तो चलिए अब इसके पीछे चलते हैं और देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। जैसा कि मैं पीछे आ चुका हूँ, इसके जो वायर हैं देखिए सब लगे हुए हैं, जैसे ये स्पीकर का वायर लगा हुआ है और ये इसमें कई सारे जो वायर लगे हुए हैं फ्रंट पैनल के, ये देखिए यहाँ पे हमारा ऑडियो वीडियो भी कितना पहले सब लगा हुआ था, सिर्फ साउंड की प्रॉब्लम है, बाकी सब ठीक है। देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे वोल्टेज चेक किया साउंड के लिए, यहाँ पे वोल्टेज ठीक है, 23 वोल्ट है, यहाँ पे वोल्टेज तो हमारे सही आ रहे हैं। और देखते हैं कि कहाँ से प्रॉब्लम है, ये ट्रैक ऐसे जाते हुए इस आईसी में जाएगा, जैसे देखें यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं आ रहा है। इसके बाद तो सीधे आईसी पे एक बार देख लेते हैं कौन सा ट्रैक पे जा रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं आ रहा है, यानी ये तो क्लियर हो गया कि हमारे बीच में भी जो भी कंपोनेंट लगे होंगे वो ख़राब होंगे। यहाँ पे भी वोल्टेज नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, इसका मतलब ये जो ट्रैक जा रहा है इसके बीच में कोई कंपोनेंट लगा होगा तो वहाँ फॉल्ट होगा, या ट्रैक में होगा कोई ट्रैक डिस्कनेक्ट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कोई कंपोनेंट दिख नहीं रहे हैं। देखिए इस जगह पे वोल्टेज हमारा आ रहा है साउंड के लिए, जो हमारा प्रॉपर है। हाँ यहाँ पे कुछ मुझे दिख रहा है कि PCB थोड़ी सी दबी हुई है और ट्रैक थोड़ा सा कटा हुआ है, जैसे कि मैंने आपको जूम करके दिखाया, तो हो सकता है कि यहीं से प्रॉब्लम हो। जैसे कि ट्रैक की समस्या है और बारीकी से इसे देख लेते हैं। जैसा कि यहाँ वोल्टेज तो सही मिल रहा है, तो ये जो बारीक है वहीं से फॉल्ट है। थोड़ा इसका कंटिन्यूटी देख लेते हैं कहाँ तक कंटिन्यूटी सही आ रहा है। देखिए यहाँ तक तो सही है, और आगे देख लेते हैं। ऐसे आते हुए इस जगह देखिए मैंने थोड़ा सा इसे खरोच कर दिया है, यहाँ तक तो कंटिन्यूटी सही है, यहाँ पर भी मैंने खरोच किया, यहाँ पर भी ठीक है, यानी आगे ही थोड़ा सा जो दिख रहा है यहीं पे फॉल्ट है, इसी बीच में। लेकिन यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस शो कर रहा है हमारा, बस फॉल्ट हमारा मिल गया है, इसे ही बस सही कर देंगे तो हमारा फॉल्ट क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो देखते जाइए और देखते हैं इसे कैसे बारीकी से सही करते हैं। इसका कुछ रेजिस्टेंस इसमें हल्का हल्का आ रहा है, लेकिन जो प्रॉपर रेजिस्टेंस जो 0 ओम होना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। तो चलिए अब इसको सही करते हैं, जैसे थिनर लगा के, जैसा कि मैं साफ़ कर रहा हूँ, इसको सफाई थोड़ा कर लेंगे और बारीकी में दिखने लगेगी आखिर ये कैसे हुआ। जहाँ तक मेरा मानना लग रहा है कि जहाँ पे टीवी में जो अंदर इसे लगाते हैं वहाँ से कोई चीज़ इसे में दब गई है, और दबते दबते वहाँ से ट्रैक धीरे धीरे डिस्कनेक्ट हो गया, मॉइस्चर वॉइस्चर आ गए होंगे, कोई बारीक चाकू से जैसे इसको साफ कर लेना ज़्यादा अच्छा रहता है। और ये भी देखना है कि दूसरा ट्रैक अगल बगल का भी ना शॉर्ट हो, जैसा कि देखिए सफाई करते वक्त
दो ट्रैक आपस में चिपक गए हैं, तो उसको भी थोड़ा बारीकी से देख लेना है, नहीं तो एक ही में चिपक जाएंगे तो फिर भी हमें प्रॉब्लम आ गई आ जाएगी आगे, और फॉल्ट ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कि कहाँ से प्रॉब्लम अब है। देखिए जैसे यहाँ पे मैं सोल्डरिंग कर रहा हूँ, ये दोनों ट्रैक आपस में शॉर्ट हो गए हैं, क्योंकि मैं जब ये रिपेयर कर रहा था तो काफ़ी प्रॉब्लम मुझे आ गया। ऊपर जो ये तार लगा रहा हूँ मैं, यहाँ पे ये दो ट्रैक हैं वहाँ पे, वो शॉर्ट हो गए हैं, फिर साउंड नहीं आया। फिर मैंने उसे बारीकी से टेस्ट किया, तो देखिए मैं आगे के वीडियो में आपको दिखाते जाऊँगा। देखिए मैंने वहाँ पे इसको फिर उस ट्रैक को थोड़ा मैंने रिमूव किया हुआ है, देखिए अभी इस कंडीशन में साउंड नहीं आएगा, क्योंकि ऊपर जो ट्रैक है उसमें मैंने जो शॉर्ट किया है, दो ट्रैक आपस में शॉर्ट हो चुके हैं, और पहले तो पता नहीं चला कि कैसे हुआ, जब बाद में मैंने देखा तो पता चला कि वो ट्रैक दोनों आपस में शॉर्ट हो गए हैं। देखिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ट्रैक हैं मैंने वहाँ से तार हटा दिया और बारीकी से उसे दो अलग अलग ट्रैक को सोल्डरिंग से चिपका दिया हुआ है बारीक तार से। ये देखिए उस जगह पे बारीकी से मैंने इसको कर दिया है। अब देखिए हमें यहाँ पर कंटिन्यूटी मिल रहा है, अब यही कंटिन्यूटी हमारा यहाँ पे मिलेगा। देखिए अब ये हमारा साउंड ओके हो जाएगा। तो ध्यानपूर्वक काम करें, हम डेली काम करते हैं फिर भी गड़बड़ी हो जाता है। अब चलिए इसका वोल्टेज चेक कर लेते हैं। देखिए 19 वोल्ट आ रहा है, ठीक है, साउंड सेक्शन के लिए काफ़ी है। चलिए इसका पीस भी थोड़ा सही करके सब कनेक्शन कर लेते हैं सही, जहाँ जहाँ पे जो भी हैं इसके वायर लगे हुए हैं सब लगा लेते हैं साउंड के लिए, फ्रंट पैनल के लिए। चलते हैं स्क्रीन के साइड, हमारा साउंड आ गया है। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग रिपेयरिंग गुरु जी, और ऐसा शुरू करें 2 मिनट।